आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। इससे पहले क्लास में कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ चुके हैं, तो इसमें कह रहा है कि एक कैलोरी ऑफ ए यूनिट, ए कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट एंड इट इज इक्वल टू 4.2 जूल अप्रॉक्स। एक कैलोरी में 4.2 जूल अप्रॉक्स कह रहा है, और जहाँ पे 1 जूल इक्वल टू होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सपोज वी इम्प्लॉय ए सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर हम मानते हैं कि हम लोग एक यूनिट बनाते हैं, यूनिट न्यू इन यूनिट बनाते हैं, जिसमें कि इन विच द यूनिट ऑफ मास अल्फा kg, मास का यूनिट होता है अल्फा kg, ये पूरा यूनिट हो गया अल्फा kg। जैसे 1 kg होता है ऐसा ही सिस्टम में, वैसे ही यहाँ पर इस सिस्टम में अल्फा kg यूनिट हो गया, लेंथ का बीटा मीटर और टाइम का गामा सेकेंड। कह रहा है सो दैट इन दिस हाफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 कैलोरी हैज मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा इन पे पावर -2 गामा स्क्वायर। इतना कह रहा है वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड का, सिर्फ इस सिस्टम में किसका वैल्यू, 1 कैलोरी का वैल्यू। तो देखो, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग को पता है जैसा कि फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लोग को पता है कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में ही, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में। तो यहाँ से अगर कह रहा है कि 1 कैलोरी को हम लोग को कन्वर्ट करना है इसमें, तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 1 जूल, मतलब सॉरी 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल ये होता है। तो यहाँ से हम लोग 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे दूसरे सिस्टम में जो हम लोग बनाए हैं, है ना। तो ये हो गया, ये मान लो ऐसा यूनिट हुआ, यहाँ पे ये भी वैल्यू दिया हुआ है 4.2 जूल का वैल्यू होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड पावर -2। तो ये तुम्हारा ऐसा ही सिस्टम हो गया। ऐसा ही सिस्टम को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इस सिस्टम में जो हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा N1 के जगह पे 4.2 जूल, और U के जगह पे हो गया kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2। तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2 इक्वल टू N2 का वैल्यू ही निकालना है हम लोग को। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये। तो N2 का वैल्यू निकालना है, और इस यूनिट में जो हम लोग बनाए हैं उस यूनिट में N2 का वैल्यू निकालना है, और इसका यूनिट जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, kg के जगह पे अल्फा kg, मीटर के जगह पे बीटा मीटर, तो मीटर स्क्वायर है तो बीटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड के जगह पे गामा सेकेंड, तो गामा सेकेंड पे पावर -2 ये हो जाएगा। और यहाँ से N2 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4.2। ये सारे टर्म को, यूनिट को हम लोग एक साइड लेते आएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा kg बाय अल्फा kg, फिर मीटर बाय बीटा मीटर का स्क्वायर, और सेकेंड बाय गामा सेकेंड पे पावर -2 इक्वल टू N2, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ से N2 का वैल्यू निकाल लेंगे। N2 इक्वल टू हो जाएगा 4.2, kg से kg कैंसिल, यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल और सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा स्क्वायर
इंटू वन बाय गामा पे पावर माइनस टू। ये ऊपर जाएगा तो एन टू का वैल्यू ये हो जाएगा 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा पे पावर माइनस टू गामा का स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया है ना। तो यही वैल्यू पूछ रहा है हम लोग को, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने कह रहा था कि मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ये मैग्नीट्यूड यही होगा इसका वैल्यू। आगे चलते हैं, आगे है कि कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया रहता है कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स होते हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं कितने लाइट ईयर होता है 1 मीटर में। कभी कभी ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और एनसीईआरटी में भी पूछा गया है तुम्हारा क्वेश्चन में। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में, एक ईयर में, 1 ईयर में कितना लाइट ट्रेवल करता है, कितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करता है, उसी को कहते हैं। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स होते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश वर्ष भी बोलते हैं हिंदी में, लाइट ईयर। कितने लाइट ईयर्स होंगे 1 मीटर में, तो लाइट ईयर्स कितने होंगे, तो देखो ये जो है एक लाइट ईयर्स का मतलब हो गया तुम्हारा कि एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो लाइट ट्रेवल करता है, तो जैसे 1 सेकेंड में करता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, यही स्पीड। तो मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर ये ट्रेवल कर रहा है। तो एक लाइट ईयर में कितना हो जाएगा, तो एक लाइट ईयर में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हो जाएगा तुम्हारा, पहले इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे है ना, तो इसको सेकेंड में पहले कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 365 डेज इंटू 24 आवर में कन्वर्ट हो गया, इंटू 60 ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, इंटू 60 ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर कवर करता है, तो इतने सेकेंड में कितना हो जाएगा, इतना इंटू 3 × 10⁸। एक्चुअली ये एग्जैक्ट नहीं होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कितना होता है, पर हम लोग यही यूज करते हैं ज़्यादा आसान होने के लिए। तो इतना मीटर ट्रेवल करता है 1 लाइट ईयर में। तो सिर्फ हम लोग इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होगा, तो 1 मीटर में 1/365 × 24 60 × 60 36 और 2 जीरो जो यहाँ पे बचता है स्पीड दे देते हैं, तो हो जाएगा 3 × 10⁻¹० लाइट ईयर। और आगे इसको सॉल्व करने के लिए ये तुम्हारा वैल्यू तुम लोग को निकालने के लिए हम छोड़ते हैं कि जो भी वैल्यू होगा वो तुम यहाँ पे लिखोगे सॉल्व करके। ये क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए घर के लिए हो गया, इसका सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू लिखोगे वो हो जाएगा तुम्हारा 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये लास्ट क्लास में ये तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन छोड़े थे कि हाँ 1 जूल में कितना अर्ग होगा, मतलब 1 जूल जो एसआई सिस्टम में है उसको हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट करना था और कितना वैल्यू आया था। ये हम लास्ट क्लास में हम लोग न्यूटन के बारे में पढ़े थे कि न्यूटन 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, मतलब जो फोर्स का यूनिट है सीजीएस में, अगर उसको 1 न्यूटन को कन्वर्ट कर दिए सीजीएस में, ऐसा ही से सिस्टम से सीजीएस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कितना वैल्यू आया था, वो आया था जैसे हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो आया था 10⁵ 1 न्यूटन = 10⁵ पर अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं जूल को कन्वर्ट करना है, वो फोर्स का यूनिट था, फोर्स का यूनिट कन्वर्ट किए थे एसआई से सीजीएस में। यहाँ पे हम लोग वर्क का यूनिट जूल जो आता है या एनर्जी का यूनिट जो होता है जूल, उसको कन्वर्ट करेंगे
अर्घ में। ये तुम्हारा नेक्स्ट एग्जांपल में है कि 1 जूल में कितना अर्घ होता है। तो ये जो जूल है वो तुम्हारा वर्क या एनर्जी का यूनिट है एसआई सिस्टम में, और ये है सीजीएस सिस्टम में। तो इसका वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग, ये वैल्यू जूल का, तो पहले ये समझ में आ रहा है हम लोग को कि वर्क का यूनिट है या फिर जूल जो है एनर्जी का यूनिट है। तो एनर्जी इक्वल टू जो हो गया यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू जूल होता है ना। तो हम लोग को जो कन्वर्ट करना यहाँ से यहाँ, तो पहले हम लोग को डायमेंशन पता होना चाहिए कि एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो हो जाता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, ये डायमेंशन है। तो इसी से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, डायमेंशन का यूज है यहाँ पे, हर जगह डायमेंशन एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे बाय कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ यूनिट यहाँ पे हो जाएगा ऐसा ही सिस्टम, मतलब 1 जूल। तो जूल को हम लोग जैसे ये डायमेंशन लिखा हुआ है, इसी से हम लोग समझेंगे कि ऐसा ही सिस्टम में जो होगा वो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर माइनस टू, ये होता है यूनिट इन एसआई, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में जूल भी कहते हैं। इक्वल टू अगर हम लोग को सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो सीजीएस में अर्ग बन जाता है, जूल अर्ग बन जाता है, इसको अर्ग बोलते हैं यूनिट शॉर्ट में, जैसे यहाँ पे जूल बोल रहे हैं इसका वैल्यू। तो वैसे ही इसका वैल्यू हम सीजीएस में अगर लिखना चाहेंगे तो एन टू, और जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर माइनस टू, क्योंकि बाय कन्वर्जन ऑफ यूनिट से ये लिख सकते हैं एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, और यहाँ से 1 kg बाय ये जो जितने भी यूनिट है इधर, इसको इधर लेते आएंगे और सेम जो मास का यूनिट है मास के साथ लिखेंगे। तो kg बाय ग्राम, मीटर बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इंटू सेकेंड पे पावर माइनस टू है तो सेकेंड पे पावर माइनस टू दोनों हो जाएगा इक्वल टू एन टू। तो एन टू का वैल्यू हम लोग जो निकालेंगे तो यहाँ पे किसी एक यूनिट को कन्वर्ट कर देंगे, या तो ग्राम को कन्वर्ट कर देंगे केजी में, या केजी को कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाता है बाय ग्राम। कन्वर्ट इसलिए किए क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ये आसानी से, और 100 सेंटीमीटर होता है मीटर का बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल और सेकंड सेकंड यहीं पे कैंसिल हो गया, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो एन टू का वैल्यू हो गया 1000 इंटू 100 इंटू 100, ये हो गया। तो एन टू हो गया तुम्हारा 70 हो गया टोटल, तो 10 to the power 7 अर्ग, सॉरी यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आया ये एन टू का वैल्यू। तो अब जो एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी अगर दिया हुआ है 1 जूल या वर्क दिया हुआ है 1 जूल, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है। और इससे पहले फोर्स जो हम लोग पढ़े थे इसे लास्ट लेक्चर में, तो वो आ गया था 1 न्यूटन इक्वल टू 1 × 10⁵ डाइन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो डायरेक्ट पूछा जाता है, तो हम लोग इसी तरह निकालेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट से, ठीक है। तो और भी इसमें न्यूमेरिकल्स है जो आप लोग कर सकते हैं, और जो भी डाउट है जिसमें उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग चेकिंग करेक्टनेस बिटवीन फिजिकल रिलेशंस, जो भी फिजिकल रिलेशन होगा उसके। तो ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं इतना ही।